नमस्कार भाइयों, मैं प्रिंस आई गोरखपुर उत्तर प्रदेश से और आज फार्म पे आया हूँ। तो आपको सुबह का समय आपको ये वीडियो दिखाता हूँ। ये देखिए, मछलियों को देखिए, साइज़ देखिए। ये आज लगभग 14 दिन हो गया है। लगभग 14 दिन में एक एक ग्राम के आसपास के एवरेज में आ गई हैं सब, एक ग्राम के आसपास में। देखिए, एक मछली भी मरी हुई है वहाँ पर। और ये वेंचुरी देखिए जो चल रहा है, वेंचुरी जो बनाया था हमने, ये ऑक्सीजन के लिए हमने डाला है। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया प्रेशर है इसमें। अभी तक मछली वो सिंकिंग फीड खा रही थी, अब 0.6 खिला रहे हैं इनको। 0.6 0.8 ये दाना खाने लायक हो गई हैं, आप देख सकते हो। और आज वीडियो अकेला ही शूट कर रहा हूँ क्योंकि अब भाई तो है नहीं, भाई तो अपने घर पे हैं। पूरे टैंक में आप मछली देख सकते हैं, आप मछलियाँ दिख रही होंगी आपको। और भाइयों, मोर्टालिटी भी अच्छी खासी हुई है। लगभग मोर्टालिटी इसमें लगभग 1,10,000 के आसपास बच्चे हैं। तो जिसमें से आप मान के चलो कि अभी तक टोटल जिस दिन पहले दिन आए थे उस दिन से लेकर के 5 दिन के अंदर लगभग 3,000 से ऊपर मछलियां मरी थी। और डेली 400-500 मरते मरते मेरे हिसाब से आज की डेट में 5,000 मछलियाँ मर चुकी हैं। लेकिन अब मोर्टालिटी कम हो गई है। अब डेली जो मोर्टालिटी है 50-60-65 ऐसे रह रही, धीरे धीरे कम होती जा रही है और अगले एक हफ्ते में मोर्टालिटी एकदम कम हो जाएगी, तो 10-20 की संख्या में रह जाएगी। देखो, जब आप इतना बच्चा आप डालोगे तो आप ऐसे एवरेज निकालो कि 10,000 बच्चा आप डालो, एक बच्चा मर रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी नर्सरी कल्चर चल रहा है ये, और अभी 1,00,000 बच्चे में अगर 50-60 बच्चा आज के समय मर रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ज़्यादा नॉर्मल मोर्टालिटी है। और इतना होता है नर्सरी कल्चर में, नर्सरी कल्चर में इतनी मोर्टालिटी आएंगी आपके, चाहे आप कोई दवा चला लें चाहे कुछ भी कर लें। अभी 1,00,000 बच्चे हैं, 1,00,000 से ऊपर ही होंगे, 3-4,000। अब तो जब ग्रेडिंग होगी तब पता चलेगा कितने बच्चे हैं। 1,00,000 से 3-4,000 ऊपर ही होंगे, तो मान के चलो 3-4,000 बच्चे और नर्सरी कल्चर में मर जाएंगे, 1,00,000 बच्चे के आसपास बचेंगे। लेकिन आप कुछ भी कर लें, कोई भी दवा चला लें, 2-4, 10-20 की मोर्टालिटी होती है छोटे बच्चों में। यही बच्चे जब आपके 15-20 ग्राम के आ जाएंगे तो इनकी मोर्टालिटी बहुत कम हो जाएगी। वहाँ पे देखिए, ऑक्सीजन लेने के लिए सब कैसे खड़े हुए हैं। और अभी ये काम धीरे धीरे हो रहा है, बारिश थमा है, काम धीरे धीरे करवा रहे हैं। देखिए, पूरी ये शेडिंग के लिए हमने पूरी पाइपिंग करवा रखी है, धीरे धीरे पाइपिंग भी सब हो रही है। इसको भी जाम किया जा रहा है, आपको विजिट करा दें। ऐसा नहीं कि बैठे हुए हैं, बस समय की बात है। और लंबा प्रोजेक्ट है तो इतना छोटा प्रोजेक्ट तो है नहीं कि आप आसानी से कर लेंगे, जबकि बारिश का मौसम है, पूरा समय नहीं मिल रहा काम करने का। एक दिन काम हो रहा है, दो दिन काम ही नहीं हो पा रहा। देखिए, आप देख सकते हैं वहाँ ऑक्सीजन के लिए पाइप ला करके रखे हुए हैं, ऑक्सीजन के लिए। ये अभी यहाँ पे एक रूम और बनेगा, सामने वाले में एक रूम और इस पर बनेगा। और अब पानी देख सकते हैं अगल बगल कितना पानी लगा हुआ है। ठीक है भाइयों, तो यही छोटा सा और कुछ अभी तो मछली का वेट करके आपको अगले 8 तारीख को ही दिखाएंगे कि मछली का वेट कितना हुआ है। मेरे हिसाब से मछली का वेट उस समय कम से कम
5 ग्राम के आसपास, 6 ग्राम 7 ग्राम के आसपास होना चाहिए। जनरली लोग जाती नहीं, हमने अभी देखा अभी तक कि लोग बायोफ्लॉक में डाल रहे हैं चाहे कहीं डाल रहे हैं, लोग 1 महीने में 1 ग्राम की मछली लेकर के आ रहे हैं, महीने भर लग जा रहे हैं लोगों को मछली को 1 ग्राम लाने में। लेकिन मेरा अभी 8 तारीख को 1 महीना होगा और मुझे उम्मीद है कि 3 से 4 ग्राम 5 ग्राम जो भी साइज़ हो, आप देख सकते हैं मछलियाँ कितनी एक्टिव हैं। सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम सभी को। थोड़ा सा आश्चर्य है, प्रिंस भाई बोले हैं कि गणेश भाई वीडियो में नहीं है, बट ठीक है यार, आना पड़ा मुझे जो है। ठीक है, वीडियो तो शूट हो गया था भाई, वहां पे गए। एक्चुअली बारिश बहुत हो रही थी आज, तो थोड़ा सा धूप शाम को निकला है, मतलब मॉर्निंग से ही पूरी बारिश हो रही थी जो है। ये पूरा देख सकते हैं, जो पूरा जमीन गीली है, पानी उनी सब पड़ा हुआ है यहाँ पे जो है। ठीक है, तो बेसिकली क्या है दोस्तों, मेरे को जो है थोड़ा सा एक छोटा सा अनाउंसमेंट करना है। ठीक है, कुछ भाई लोगों का जो दूर से जो बैठे हुए हैं जो है, तो उनको बेसिकली एक ट्रेनिंग के लिए बार बार फोन आ रहा था कई बार जो है। तो ट्रेनिंग हमने अभी बेसिकली बंद कर रखी थी, हमने जो है ट्रेनिंग हमने जो है सोचा था कि हम बाद में स्टार्ट करेंगे, बट हम ऑनलाइन ट्रेनिंग जो है हम लोग अभी स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग जो है। ठीक है, ऑनलाइन ट्रेनिंग हम लोग, तो ऑनलाइन ट्रेनिंग हम जो है बिल्कुल हमारे जो फिजिकल जो ट्रेनिंग होती है ऐसे ही बिल्कुल होती है, इसमें कोई चेंजेस नहीं होता। आप हम जब कनेक्ट करेंगे लोगों को जो है, तो 30 अगस्त माइट बी इन दिन जो सैटरडे एंड संडे पड़ रहा है, 29 और 30 अगस्त की डेट जो है, इस दिन मैं और प्रिंस भाई जो है ऑनलाइन ट्रेनिंग हम लोग कराएंगे। और हम लोग 2 दिन में 12 लोगों की ऑनलाइन ट्रेनिंग हम कराएंगे, 12 पीपल ओनली उनकी हम ट्रेनिंग कराने वाले हैं। ठीक है, और उसके बाद जो है 6 सितंबर को मेरे फार्म पे विजुअल, हम लोग फार्म पे जो है एक अपना जो फिजिकल ट्रेनिंग कराने वाले हैं। ठीक है, जिसमें हम लोग 10 लोगों को बस रखे हुए हैं, जिसके लिए क्या है कि जो प्रॉपर जो है कोविड की गाइडलाइंस हैं उसको फॉलो करके हम सिस्टमेटिकली हम लोग जो है ओनली 10 पीपल को जो है हम लोग ट्रेनिंग कराने वाले हैं। तो 29-10 को जो लोग ऑनलाइन लेना चाहते हैं, जो भाई यहां पे नहीं आ सकते, 29 और 30 अगस्त को आप जो है ऑनलाइन ट्रेनिंग ले सकते हैं। 6 सितंबर को जो हमारे भाई जो है चाहे कहीं से भी हो, यूपी से हो, हमारे आसपास से हो या कहीं बाहर से, अगर उनके पास पॉसिबल है हमारे पास आना, तो 6 सितंबर को आप हमारे फार्म पे आके जो है ट्रेनिंग ले सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, हरियाणा के भाई लोगों से थोड़ा सा मेरा रिक्वेस्ट है जो है, बड़ा लगाव रहा है मेरा हरियाणा से भाई लोग जो है, ऑलरेडी मैं 8 से 10 साल में हरियाणा में मैंने दिए हुए हैं, समय था हमारा वहां पे जो है, हमने बहुत बहुत मजा आया था और बहुत सारे मेरे दोस्त हैं वहां पे हरियाणा में जो है। तो अभी क्या है कि बहुत सेटअप लोगों ने लगाए हुए हैं और बेचारे कुछ सेटअप हैं जो वहां पे जो लोग सेटअप अपना सेल कर रहे हैं, जो कल्चर नहीं कर पाए, लीज पे जमीन लिए थे, सेटअप लगा दिए थे और जो उनको उनका जो है लॉस गया जो है, गलत जगह ट्रेनिंग लिए, जो भी अंडर गाइडेंस जिसके भी थे गलत गाइडेंस में थे जो है, तो अपना सेटअप पूरा लॉस में गया उन लोगों का। तो मैं ये थोड़ा सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, आप लोग भाई लोग प्लीज अपना होप आप लोग मत खोइए। ठीक है, मेरे को एक बार आप मौका दीजिए, मैं आपके यहाँ जो है हमारा जो 4 अक्टूबर को जो है मैं हरियाणा में रहूंगा। मैं 4 अक्टूबर को हमारे 2-3 फार्म है वहां पे जो चल रहे हैं, जो एक सुधीर हैं, संदीप हैं और रोहित हैं, 3 फार्म है वहां पे जो है, हम किसी एक फार्म पे वहां पे रहेंगे। ठीक है, जिस भाई को अगर आना रहेगा, जो भी डिटेल रहेगी वहां पे हम लोग एक सेशन रखेंगे ऑनलाइन, सॉरी फिजिकल ट्रेनिंग एक रखेंगे। एक बार आइए, एक बार सीखिए हमसे, मैं गारंटी लेता हूं आप लोगों का कि मैं सबका कल्चर में कराऊंगा आपका, जितने भी भाई हरियाणा में जो भी सेटअप जिनका जो है फेलियर हो चुका है। ठीक है, तो प्लीज एक बार मेरे को मौका दीजिए, आपके बीच में ही हूं भाई, आप लोगों के बीच का ही हूं मैं, बहुत समय आप लोगों के साथ में दिया हरियाणा में और बहुत मजा आता है भाई आप लोगों के साथ में जो है। ठीक है, एक अलग मजा आता है हरियाणा के भाई लोगों से मिलके जो है। तो मैं रहा हूं वहां पे जो है, बस मैं अश्योर करता हूं, मैं किसी का भी सेटअप जो है नुकसान नहीं जाएगा, किसी का भी कोई सेटअप बिकने वाला नहीं रहेगा जो आप लोग बेचने की प्लानिंग कर रहे हैं। गलत गाइडेंस आप लोगों की थी, जिसके भी चक्कर में थे आप, गलत जगह पे फंसे हुए थे, इसी वजह से आज आप लोगों का जो है ये दिक्कतें हुई हैं जो है। बट मैं चैलेंज करता हूं इस चीज की, जो भी मुसीबतें हैं मैं खत्म करूंगा और बायोफ्लॉक में आपको सेटअप करा के, जो भी सेटअप क्या आपका जो भी कल्चर करा के आपको प्रॉफिटेबल लेवल पे मैं लेके जाऊंगा, अश्योर करता हूं इस चीज को मैं। इसके बाद जो है 1 नवंबर को मैं पुणे जाऊंगा, पुणे में जो भी भाई हैं हमारे जो है महाराष्ट्र के आसपास, पुणे नासिक जयपुर जो भी है वहां पे जो है, 1 नवंबर के एक मेरे भाई हैं वहां पे, नियमित प्रसन्ना, वहां पे हम लोग जाएंगे। तो
तो प्रसन्ना जी के पास हम लोग आएंगे पुणे में, वहां के जो भी भाई रहेंगे जो है आप मेरे से आके कनेक्ट होइए वहां पे, ठीक है। मैं डिटेल जो है नंबर वगैरह कॉन्टेक्ट डिटेल वगैरह कुछ वीडियो के बाद में शेयर करना स्टार्ट करूंगा, आज बस मैं डेट बता रहा हूं। आगे से जो सारी जो वीडियोज रहेंगी वो पूरी तरह से डिटेल हम आपको देते रहेंगे पूरे कॉन्टेक्ट डिटेल के साथ में, जिससे आप वहां पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, जो भी इन्फॉर्मेशन लेना वहां पे ले सकते हैं। बहुत ज्यादा वीडियो नहीं बनाऊंगा लंबा, ऑलरेडी जो थोड़ा प्रिंस भाई ने अपडेट दिया फार्म का, धीरे धीरे अपडेट देते रहेंगे हम लोग जो भी चीजें रहेंगी। ये छोटा सा मेरे को डेट अनाउंस करना था तो मैंने बता दिया, 29-30 को ऑनलाइन ट्रेनिंग है अगस्त में, 29-30 अगस्त को। उसके बाद हमारा फार्म पे ट्रेनिंग 6 सितंबर को है, एक हफ्ते बाद मान लीजिए। उसके बाद 4 अक्टूबर को हरियाणा का है, 1 नवंबर को पुणे का दोस्तों, ठीक है। तो बाकी अब अगले वीडियो में मुलाकात होती दोस्तों, जो भी अपडेट है हम लोग फार्म का देते रहेंगे। अभी यहाँ पे पीछे देख सकते हैं आप लोग जो है, अभी सेटिंग वोटिंग करवा दी हमने, इतना बारिश हुआ है कि दो टैंकों का भी ड्रेनेज का पाइप लगा है, ड्रेनेज का पाइप हमने लगा दिया। अब यहाँ पे चलने में भी बड़ी मुश्किल है भाई, पैर में पूरी मिट्टी धंस जाती है यहाँ पे, ठीक है। तो कुछ नहीं, बस अभी पानी एक्सचेंज हो रहा था टैंक का जो है, पानी फिल कर रहे हैं। बाकी सेटिंग वगैरह हमने करा दी, देख रहे होंगे आप लोग जो है, ऐसे ग्रीन नेट 90% का सेटिंग करा दीजिए आप लोग, ठीक रहेगा। ये टेम्परेचर से भी आपको मेंटेन रखेगा, सो पानी वानी भी रहेगा, उतना ज्यादा नहीं आ पाता है। मैं देखेंगे थोड़ा सा ढीला हो गया हल्का हल्का, बारिश बहुत हुई है कंटिन्यूअस लास्ट के 24 आवर्स से बारिश हो रही है, बट ये है कि अब कम हो गई है। अब देखते हैं, भगवान तो निकल आए हैं, सूर्य भगवान अब कल तक रहेंगे तो 2 दिन में थोड़ा सा ये है जो ग्राउंड होता है नॉर्मल हो जाता है, फिर बाकी का जो पेंडिंग काम है तारपोलिन वगैरह रेडी करके इन सबको हम डिवाइड करने वाले टैंकों में, ठीक है दोस्तों। बस वीडियो में आज के लिए इतना ही प्लीज, और आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को हमारे सब्सक्राइब कीजिए। अगर नए लोग हैं, जो भी नए भाई हैं अभी बायोफ्लॉग को नए स्टार्ट करना चाहते हैं, और अगर हमारी वीडियोज आप देखते हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अगर पसंद आती है इसको लाइक कीजिए, नहीं पसंद आती तो उसको डिसलाइक कीजिए, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, बट एक काम आप जरूर करते रहिए, ठीक है। और अगली वीडियो प्रिंस भाई के साथ में हम रहेंगे, जो भी अपडेट रहेगा पूरा कोशिश करेंगे कि इसका जो साइज वगैरह हम लोग अपना दिखाएं। अभी तो छोटी साइज है तो बहुत ज्यादा मतलब है नहीं कि इसको हम लोग जो है मेजर करके दिखाएं जो है, तो सोचे थे कि एक महीने बाद ही दिखाने के लिए, देखते हैं अगला वीडियो में जो भी पॉसिबल बनेगा बताएंगे। बाकी अभी एरिएशन सिस्टम वगैरह इंस्टॉल करवाने वाले हैं तो उसका भी प्रॉपर एक वीडियो आपको देते रहेंगे, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए वीडियो में विदा लेते हैं। बाकी जो प्रिंस भाई जो आगे वीडियो डाले थे जो वेंचुरी वगैरह का आपने फ्लॉग देखी है, उसमें जो है बहुत ज्यादा अभी कुछ है नहीं इन्फॉर्मेशन देने के लिए, बट जैसे ही आगे बढ़ रहे हैं हम लोग पूरा एक एक डेटा आपको देते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू।